कहावत है कि प्यार अंधा होता है। इसके चंगुल में आकर इंसान कई बार ऐसे कदम उठा लेता है जिसका उससे बाद में अफसोस भी होता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था एक्टर संजय दत्त और ऋषि कपूर के बीच। दरअसल संजय दत्त टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में थे और उस वक्त उन्हें गलत फहमी हो गई थी कि ऋषि कपूर भी टीना मुनीम के चक्कर में है। इसका खुलासा ऋषि कपूर ने अपनी हालिया रिलीज ऑटोबायोग्राफी में किया था, जिसमें कहा गया कि ऋषि कपूर और टीना काफी गहरे दोस्त थे। दोनों ने फिल्म कर्ज के अलावा कई और फिल्में साथ में की थी, लेकिन संजय दत्त को लगने लगा कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो चाहकर भी इस बारे में टीना से कुछ नहीं पूछ पा रहे थे। आखिर परेशान होकर संजय दत्त ने एक दिन बड़ा फैसला किया। उन्होंने गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर को पीटने का प्लान बनाया और नीतू के घर की तरफ चल दिए। संजय दत्त फिल्म रॉकी में टीना और गुलशन ग्रोवर के साथ काम कर रहे थे और इसी दौरान उनका अफेयर शुरू हुआ था। लेकिन फिर नीतू सिंह ने संजय दत्त को यकीन दिलाया कि ऋषि कपूर और टीना के बीच में कुछ नहीं है और फिल्म इंडस्ट्री में होने के नाते उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना आना चाहिए। Bureau Report, Indian Film History. For more updates, please subscribe Indian Film History.